हेलो फ्रेंड, दिस इज सतीश नामदेव एंड वेलकम टू अगेन माय चैनल टेक वीडियो। मैंने आप लोग के लिए जो लाइब्रेरी डिपार्टमेंट से वैकेंसी लेके आया हूँ, वह आई हुए आईआईटी धनबाद से आई हुई, इसमें लाइब्रेरी डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। मैंने जो वैकेंसी लेके आया हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद से है। अगर वेबसाइट की बात करते हैं IIT ISM.ac.in, जैसे गूगल में वेबसाइट करेंगे कुछ इस तरीके की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम सबसे नीचे जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट में क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा जो कि पेज रिक्वायरमेंट का होगा। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए थर्ड में, यहाँ पर नॉन फैकल्टी पोजीशन के लिए है, सुपरिटेंडेंट, जूनियर सुपरिटेंडेंट, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए है। यहाँ पर लाइब्रेरी डिपार्टमेंट से की जो वैकेंसी है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आपको पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का पीडीएफ फॉर्म ओपन हो जाएगा जैसे आपको शो हो रहा है। तो पीडीएफ फॉर्म मैंने आपको फुल डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको दूसरे वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाया हुआ है, आप वहाँ पर दिया हुआ है। मैंने आपको जो वीडियो है मेरा एंड आपको जो इसका पीडीएफ का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आई बटन में भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देन हम यहाँ पर फॉर्म फिलिंग की बात करेंगे, फॉर्म किस तरीके से फिलअप होगा उसकी डायरेक्ट बात करेंगे, सभी बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन के लिंक है, यहाँ पर ओपन करने के बाद जैसे क्लिक ये लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस पीडीएफ ओपन हो जाएगा। मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर से देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए नाउ फॉर रजिस्ट्रेशन एंड प्लीज क्लिक हियर। यहाँ पर जैसे क्लिक हियर पर ब्लू जो बटन है, ब्लू बटन में क्लिक करेंगे कुछ आपके सामने इस तरीके से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन जो कि शो हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम डिटेल से बात कर लेंगे कि फॉर्म किस तरीके से फिल होगा। उसके लिए आपको अगेन रिक्वायरमेंट पेज में जाना होगा। देन आपके फॉर्म गाइडलाइन से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक हियर है, आपको क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ जनरेट हो जाएगा। आपको पीडीएफ देख रहे हैं, मैं आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं जो आपका सर्टिफिकेट एंड जो आपका नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं, जो क्लब जितने भी आपका 10th 12th सर्टिफिकेट है एंड मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री है, तो आपको यहाँ पर 1024 KB का होना चाहिए और पीडीएफ में होना चाहिए। एंड आपको ईडब्ल्यूएस एंड एसटीएससी कैंडिडेट के लिए जो भी सर्टिफिकेट बनाया जाता है उसको भी 1024 KB में पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। देन आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उनका भी जो सर्टिफिकेट होगा मैक्सिमम साइज 1024 KB में होना चाहिए। देन हैंड राइटिंग आपको एक डॉक्यूमेंट से आपको लिखना होगा, डॉक्यूमेंट को रिटर्न में भी आपको 1024 आपको जो जेपीजी फॉर्म में आपको फोटो फॉर्म में आपको उसमें अपलोड करना पड़ेगा। देन आपको पासपोर्ट साइज फोटो मिनिमम एंड मैक्सिमम आपको 100 KB का होना चाहिए एंड जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। देन स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए आपको 100 KB में, आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका जेपी 100 KB में होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर बात कर दिया गया है पेमेंट रिसीव मैक्सिमम 100 KB में, आपको पीडीएफ फॉर्म में जो आप पेमेंट करेंगे उसको सबसे पहले हमें पेमेंट करना होगा। देन आपको यहाँ पर जितने भी आपको यहाँ पर फॉर्म होगा उसका एक साइज दिया हुआ है, मैक्सिमम साइज दिया है, उसके अंदर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको जो आपका पेमेंट रिसीव होगा उसमें आपको साइन करना होगा। देन आपको उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जो कि फॉर्म फिलअप होने के प्रोसेस है। तो जैसे हमने प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको जैसे ओपन कर चुके हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने ओपन भी कर चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ईमेल, जैसे मेरे ईमेल आईडी में आपको लिंक दिया हुआ, यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी, यूजर आईडी, यहाँ पर जैसे आपको शो हो रहा है यूजर आईडी, यहाँ पर एंड पासवर्ड आपको यहाँ पर एंड आपको यहाँ पर कैप्चर डालने के बाद साइन इन करने का। साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पर से देखेंगे एंड यहाँ पर आपको जो इंस्ट्रक्शन है आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रीड करेंगे। देन आपको फील्ड डिटेल करेंगे
एंड यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप का दिया हुआ है। फिर डिटेल करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट में आपको सारे डी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने होंगे, यहाँ पर प्रोसेस के थ्रू प्रोसेस करने पर। देन आपको नेक्स्ट में क्या करना है, आपको यहाँ पर पेमेंट के लिए पेमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर लिंक दिया, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप पीडीएफ यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ से पे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको एक SBI का कलेक्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्रोसीड करेंगे, जैसे प्रोसीड करेंगे तो आपको एक न्यू पेज ओपन जो कि IIT धनबाद के नाम से होगा, यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी, हमें रिक्वायरमेंट फीस सबमिट करने है। रिक्वायरमेंट फीस सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, फॉर्म ओपन होने के बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है ये है, यहाँ पर एप्लीकेशन जो आपको पोस्ट किस पोस्ट के लिए आप दे रहे हैं, एप्लीकेट नेम ऑफ कैंडिडेट एंड फादर नेम है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड जो आपको फी है 500 एंड फी को आपको सिलेक्ट करना है, देन आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल्स डालनी होगी एंड देन आपको सबमिट करना है। देन सबमिट करने के बाद आपको OTP के एंड पेमेंट हो जाएगा, OTP के द्वारा आपको पेमेंट हो जाएगा। देन हम बात करते हैं इससे सारे डिटेल्स को लेके एंड पेमेंट को लेने के बाद आपको रिसीव करने के बाद आपको सारे डिटेल्स फॉर्म फिलअप करने के बाद फिलअप करेंगे, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है यहाँ पर हम डिटेल्स करने फिलअप करने के बाद आपको पेमेंट करना, देन आपको वहाँ पर डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर से अपलोड करना होगा, यहाँ पर डिफरेंट टाइप का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टाइप के यहाँ पर फिलअप करना होगा। देन आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इन्फॉर्मेशन दिए होंगे, यहाँ पर फॉर्म चूज करना होगा, फॉर्म चूज करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एट स्टेप में आप सिग्नेचर एंड रिटर्न स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपको यहाँ पर सर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पर आपको रिटर्न हैंड राइटिंग में आपको अपलोड करना होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्ट सभी डॉक्यूमेंट आपको फोटो सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपको इसी तरीके से जैसे यहाँ पर आप शो हो रही होगी तो आपको यहाँ पर एक प्लेन पेपर में लेना होगा एंड आपको यहाँ पर सेल्फ आपको डिक्लेरेशन देना होगा, कोई भी IIS2 ISM .. आपको जहाँ पर हाउ टू ओपिनियन टू मीट जो भी आपको यहाँ पर हैंड राइटिंग में लिखना हो देन आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, कुछ भी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है देन आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं, आप इसका भी आपका जो भी है आप यहाँ पर से देख सकते हैं सारी एंड फोटो आपको इंस्ट्रक्शन के अनुसार अपलोड करना होगा। देन आपको अपलोड करने के बाद आपको दिए हुए एड्रेस में आपको सेंड करना होगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं सब अपलोड करने के बाद आपको PDF जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर आप जैसे लास्ट में प्रिंट करेंगे एंड प्रिंट को आपको सेल्फ यहाँ पर दिया हुआ है, आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा सर्टिफिकेट के साथ एंड आपको पेमेंट रिसीप अपलोड करनी होगा, देन आपको सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करना होगा, अटैच करने के बाद अटेस्ट करना होगा, देन अटेस्ट करने के बाद बाय स्पीड पोस्ट एंड रजिस्टर पोस्ट के थ्रू आपको रजिस्टर IIT ISM धनबाद 82600 फॉर झारखंड आपको वहाँ पर बाय स्पीड पोस्ट एंड रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आपको सेंड करना पड़ेगा एंड देन आपको उसके देन सेलेक्ट करने के लिए आपको सेंड करने से पहले आपको एनवलप्स के टॉप पर आपको वहां पर मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड उसके लिए आप देख सकते हैं एंड सम फ्रीक्वेंसली आस्क क्वेश्चन है आपको यहाँ पर दिया हुआ है, सम फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन आप यहाँ पर से भी रीड कर सकते हैं, कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो वेबसाइट में आपको यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए अगर कोई होता है तो टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर सब प्रॉब्लम के लिए जो आपके ईमेल आईडी किया गया है ईमेल आईडी से आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा वेबसाइट में ओपन करेंगे, वेबसाइट में ओपन करने के लिए सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर मिस्टर अगर चूज करना होगा, देन आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड आपको यहाँ पर पासवर्ड एक फर्स्ट में कैपिटल लेटर एंड देन आपको स्मॉल लेटर एंड नंबर यूज करना है, स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी यूज नहीं करना है, देन आपको यहाँ पर कैप्चर जो दिया हुआ है कैप्चर को ऐड करने के बाद आपको रजिस्टर ये करने के बाद आपको ईमेल आईडी में कुछ इस तरीके का लिंक आपको सामने ओपन हो जाएगा, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिव मेल हो जाएगा, आप एक्टिव मेल एक्टिव करने के बाद आपको उसको जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने किया था तो आपको कुछ इस तरीके का जो यहाँ पर
वैलिड करेंगे, तो वैलिड करने के बाद आपका यहाँ पर लॉगिन के लिए आपको, जैसे ये हमारा है तो हम अगर हम इसको वैलिड करते हैं, तो हम वैलिड करने के बाद यहाँ पर जैसे हम इसको वैलिड करेंगे तो हमें डायरेक्ट लॉगिन पेज में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है एंड देन आपको कैप्चर डालने के बाद साइन इन करने के बाद सब इस जो दी हुई प्रोसेस के थ्रू आपको फॉर्म फिलअप करना है। एंड अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मेरे जो कमेंट बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी करें, हम मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।